शामली शहर के मोहल्ला रेलपार निवासी दर्जनों नागरिकों ने राशन डीलर पर पिछले काफी समय से राशन न दिए जाने का आरोप लगाते हुए हंगामा में प्रदर्शन किया। उन्होंने मामले में जांच कर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली शहर के मोहल्ला रेलपार निवासी दर्जनों महिलाओं तथा पुरुषों ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर हंगामा और प्रदर्शन किया। उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत पत्र देकर बताया कि मोहल्ले की राशन डीलर संगीता रानी करीब 100 लोगों को राशन नहीं दे रही है। उपभोक्ताओं द्वारा राशन मांगने पर वह नागरिकों के साथ अभद्र व्यवहार करती है। उन्होंने मामले में पहले भी शिकायत कर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। नागरिकों ने मामले में जांच कर राशन डीलर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस अवसर पर राजकुमारी राजेश देवी, अलकारी सुरेशा देवी, सुमित्रा केला देवी, संगीता बबली, सुनीता आदि मौजूद रही। राशन ही नहीं मिला था किसी का। अच्छा, क्या कहता है राशन डीलर, क्या कहता है आपको? ये कहता है कि मुझे आज नहीं मिला ऊपर से, और जिन जो मैं तो आज नहीं, कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। अच्छा अच्छा, क्या चाहते हैं आप, क्या मांगे आपकी? बस यही चाहिए, राशन मिलना चाहिए सबको। है जी, राशन लेने जाते हैं, राशन वाला ये कहता है तुम्हारा अनाज नहीं मुझे मिला, पूरा अनाज नहीं मिला, इसलिए मैं कहा से दूं जो मुझे अनाज मिला। अच्छा, वो मैंने बांट दिया, बाकी अनाज नहीं है। अच्छा, तो कहाँ का है राशन डीलर, कहाँ गया? ये है जी रेल पार्क वार्ड नंबर 11, और संगीता रानी है वो, क्या नाम, राशन डीलर। अच्छा, तो क्या कहता है आपको? वो कह जी मेरे पास तुम्हारा अनाज नहीं, आप बताओ मैं कहाँ से दूं आपको। कब से अनाज नहीं मिल रहा आपको? इसी महीने में नहीं मिला जी, पहले हर महीने मिला था। तो अब क्या मांगे आपकी? हमें तो अपना राशन चाहिए जी, मांग यही है और क्या है।